हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मलेशिया आते हैं और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मलेशिया इज दिस ट्विन टावर। लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा हटके होगा। आज मैं वहाँ का जो MRT है, जो मेट्रो है, जो KTM है, वो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैं बंदर उटामा से बाटू केव्स तक जाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं ये जो KTM या मेट्रो का जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसे होता है। बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज मेरा छुट्टी है और सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा बाटू केव्स घूम के आता, तो चलिए फटाक से थोड़ा खा लेते हैं और फिर चलेंगे बाटू केव्स। वहाँ पे क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो देखते रहिए, बने रहिए और बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ये है वन वर्ल्ड होटल, जहाँ पे मैं रुका हूँ कुआलालंपुर में। मैं आया हूँ एक्चुअली एक बिजनेस ट्रिप में, बट आज थोड़ा छुट्टी था तो सोचा बिजनेस ट्रिप को थोड़ा फन ट्रिप भी बना लेते। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करके सीधे निकल जाएंगे MRT से। विल टेक द ट्रेन, कोई बस वस या कुछ कार कैब बुक नहीं करेंगे, ट्रेन लेंगे और निकल जाएंगे। पूरा खाली है, आज छुट्टी है, उसीलिए लोग उठे नहीं है। एक्चुअली बहुत सुबह है, मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मैं सोचा थोड़ा जल्दी जल्दी चले आता हूँ। हर जगह पर लिखा हुआ था कि भाई 9 बजे से पहले पहुँचना। तो सिंस आई एम गोइंग टू रिलीजियस प्लेस, मैं कुछ नॉनवेज नहीं खाऊंगा। आई विल बी ऑन माय फ्रूट्स, सो फ्रूट्स लेके थोड़ा खा के फिर निकल जाते हैं। China girl, Lisa trouble to a man. She want and she want and she don't know where she want. पहले वाले व्लॉग में दिखाया है सब कुछ, तो आप लोग अगर वो व्लॉग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिए। अबाउट दिस रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग, क्या खाना मिलता नहीं मिलता है। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है, तो इट्स रियली नाइस। फिलहाल मैं लेता हूँ थोड़े फ्रूट्स। यहाँ पे इंडियन फूड भी है, बट मैं आज खा नहीं रहा हूँ इंडियन फूड वगैरह कुछ। लूँगा 2-3 जूस ले लेता हूँ, तो आई थिंक दैट शुड बी डन। सो लेट मी टेक सम जूसेस। कहाँ पे जूस? यहाँ पे। मैं लेता हूँ कैरेट एंड वाटरमेलन। बस आई थिंक मेरे लिए इतना काफ़ी है आज के लिए। और फिर वहाँ पे दर्शन करके कुछ खा लेंगे, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, वी नीड समथिंग। तो मैं अभी आराम से खाता हूँ और उसके बाद खाने के बाद आप लोग से बात करते हैं। ये यहाँ का सुंदर सा लॉबी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ MRT पकड़ने, जो यहाँ का मोनो रेल ट्रेन है। आई थिंक दैट इज़ द फुल फॉर्म, आई एम नॉट श्योर, बट द गुड पार्ट इज माई ब्लैक हो गया पूरा, लाइट हाँ। बट द गुड पार्ट इज़ कि अभी भी अंधेरा है, तो अभी भी अंधेरा है, तो
जो सनराइज होगा ना वो मुझे ट्रेन में दिखेगा, विच इज वेरी गुड। देखते कौन सा ट्रेन है, मैंने मैप ले लिया बट कैसे टिकट्स लेने एंड ऑल दैट आई हैव नो क्लू। लेट्स सी। रेलवे स्टेशन में जिसका नाम है उटुमा, बंदर उटुमा। बंदर मतलब मंकी नहीं है, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वही है। बट मुझे अभी लेना है टिकट्स, तो देखते हैं डायरेक्ट मिलता है बाटू केव्स का कि गेल सेंटर में उतर के फिर से लेना पड़ेगा। लेट मी आस्क, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो टू बाटू केव्स, या सो डू आई नीड टू टेक, डू आई नीड टू गेट आउट ऑफ गेल सेंटर एंड टेक अनदर टिकट, आई कैन टेक फ्रॉम हियर? या म्यूजियम निगारा, ओके। अपस्टेयर्स टू देन अनदर टेन टू केएल सेंट्रल, फ्रॉम देयर टू केएल सेंट्रल, ओके। ओके, सो आई हैव टू बाय अ टिकट नाउ टू म्यूजियम निगारा एंड देन फ्रॉम केएल सेंट्रल टू बाटू केव्स, करेक्ट? ओके, सो हाउ डू आई बाय इट? मैं टिकट लेने गया तो बोल रहा है कि 10 रुपये का, मतलब 1 और 5 का एक्सेप्ट करेंगे, जो मेरे पास है नहीं। तो मैं पूछता हूँ यहाँ पे इनके पास अगर चेंज है तो, दैट इज़ वन मोर थिंग। कम डिनोमिनेशंस का नोट्स रखिए। भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मैं अभी ले रहा हूँ टिकट टू म्यूजियम निगारा विच इज़ नथिंग बट केएल सेंट्रल, और फिर वहाँ से उतर के ऊपर जाना है, ऊपर जाके लेना है मुझे KTM से लेना है मुझे बाटू केव्स का टिकट। तो अभी फ़िलहाल लेते हैं म्यूजियम निगारा का। मेरे लिए ये सब बहुत मैटर करता है कि मेरा दिन का शुरुआत कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट। तो शुरुआत बहुत अच्छे से हुआ है, बंदा काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे से बताया सबको। और अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और वहाँ से ले लूँगा मैं ट्रेन फॉर केएल सेंट्रल विच इज़ म्यूजियम निगारा, ठीक है? तो लेट्स वेट फॉर द ट्रेन। कर रहा हूँ मैं अभी ट्रेन का, आई थिंक इट विल टेक अनदर 2 मिनट्स। तो आई थिंक द ट्रेन इज अराइव्ड, और इस तरफ से आ रही है। ये ट्रेन का मैं वीडियो लिया था, एक रील भी दिया था। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, शैम्स ट्रैवल डायरी, सेम नाम से ही है, फॉलो कीजिए। मैं बहुत सारे रील्स देते रहता हूँ कुछ, इट विल बी फन। ट्रेन या ट्रैम लेने से पहले ज़रूर एक बार मैप देख लीजिएगा और ट्रेन का नंबर्स देख लीजिए। बैठ गया मैं ट्रेन में और सब लोग सो रहे हैं ऑलमोस्ट, तो अभी मैं जा रहा हूँ खेल सकता। तो मैं अभी उतर गया हूँ म्यूजियम निगारा में, और मैं ढूंढ रहा मेरा टोकन कहाँ पे था यहाँ पे। तो म्यूजियम निगारा से अभी लेना है KTM, ऊपर जाना है केलुआर मीन्स एग्जिट। सो KTM लेके फिर बाटू केव्स। मैं जो रूट डायरेक्ट वो जो पेपर लिया था ना पैम्पलेट, पता नहीं कहाँ पे फेंक दिया मैंने, अभी मिल नहीं रहा है, बट एनीवेज दैट्स फाइन। जहाँ पे मैं उतरा और वहाँ से KTM ट्रैम्स लेने के लिए बहुत सारे एस्केलेटर्स हैं, 3-4 एस्केलेटर तो ऑलरेडी देख लिया, अभी एक नीचे जा रहा है, वो सब ऊपर आ रहा था अभी नीचे जा रहा है। बट एनीवेज, सो मैं इसके आपको ऑन किया क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने प्राइस नहीं बोला था। सो इट वॉज 3.2 रिंगेट्स अप टू KTM, अप टू ये स्केल सेंट्रल, और केएल सेंट्रल से फिर KTM का मुझे पता नहीं, अभी जब लेंगे पता चलेगा। तो या सो 3.2 टिल हियर, एंड अभी तक मैं अभी जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गया मैं चल रहा हूँ।
सुबह सुबह का खेल सेंट्रल बहुत दिन बाद आया, अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे मैं 12 साल पहले आया था, आई थिंक मैं पहले भी बोला हूँ ब्लॉग में, तो अच्छा लग रहा है। इसका जो एक ह्यूज एक बड़ा सा जो एक फ्लेवर था तब, अभी भी मुझे वो नज़र आ रहा है, सो विच इज़ गुड। सेम केएल सेंट्रल में और जा रहा हूँ मैं भी ऊपर केटीएम, केटीएम से फिर जाएंगे बाकी के। सो लेट्स गो। तो ये है अपना केटीएम, दो तीन फ्लोर पे केटीएम, पूछ लेना किसी से, अदरवाइज मुश्किल होगा। तो अभी हमको जाना है बाटू केव्स। मैं यहाँ पे मैप है, मैप के फोटो ले लेता था। यहाँ पे बाटू केव्स के लिए द प्राइस इज $8 पर साइट वन वे, और अगर आना जाना दोनों एक साथ देते हो तो $12। तो मैंने आना जाना ले लिया, मुझे एक कार्ड दे दिया हम लोगों ने, उसमें $12 का मतलब है, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, देखते कितने बजे आएगी ट्रेन। यहाँ पे मैं भी अभी कार्ड स्वाइप करूँगा रादर देन कॉइन, देखते काम करता है। ये भाई साहब एक खुले थे एक नहीं खुले थे, मैं साइड से निकल गया। कैप्टन नंबर 5, लेट्स गो। पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर 5 बाटू केव्स का, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ट्रेन भी आ गई, ट्रेन नहीं आई है। मैं ट्राई करता हूँ एकदम लास्ट वाले कंपार्टमेंट में जाने का, पता नहीं अगर वहाँ से पीछे से वो ग्लास वगैरह रहे तो दिखेगा, अदरवाइज बाहर इतना अंधेरा है अभी भी। तो मुझे लग रहा था कि मैं ये सनराइज़ वगैरह कैप्चर करूँगा ट्रेन में बैठे बैठे, बट वो हुआ नहीं। सो देखते हैं लास्ट में बैठ के अगर कुछ हो सकता है तो।